छतरपुर में किसानों पर बिजली चोरी का प्रकरण न बनाने के एवज में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बिजली विभाग के उपयंत्री और लाइनमैन ने इस काम के लिए 20,000 की मांग की थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत लेना बिजली विभाग के एक उपयंत्री को महंगा पड़ गया। उपयंत्री को सागर लोकायुक्त की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि हिम्मतपुरा के किसान चेतराम अहिवार पर बिजली विभाग के लाइनमैन चिकोड़ी लाल पटेल ने पहले मुर्गी पालन सेंटर पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया और फिर इससे बचने के लिए उपयंत्री अंकित सिजेरिया के नाम पर पैसे की मांग की, जिस पर किसान ने दोनों को 5,500 रुपये की रिश्वत पहले दे दी। इसके बाद पीड़ित किसान ने इन दोनों की शिकायत सागर लोकायुक्त से कर दी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने बाकी की 10,000 रुपये लेते उपयंत्री और लाइनमैन को पकड़ लिया। ये जो है हमें बार बार परेशान कर रहे थे कि तुम्हारा मुर्गी फार्म है, तुम लाइट जलाते हो, हम जलाते हैं नहीं, मुझे पैसा चाहिए। तो इन्होंने 20,000 की मांग की थी हमसे, तो 5,500 तो तुरंत ले लिए थे, बाकी आज का वादा था तो आज हमने इनको दिए और ये हमने रंगे हाथों पकड़ लिए। विद्युत मंडल के उपयंत्री अंकित सिजेरिया और लाइन हेल्पर चिकोड़ी लाल पटेल द्वारा जो है इस बिजली चोरी का प्रकरण न फर्जी प्रकरण बना न बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की और उपयंत्री अंकित सिजेरिया और चिकोड़ी लाल को हमने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।